मैं अगर किसान हूं, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसको माल कहाँ बेचना है, किसे बेचना है, इसकी आजादी है। तो मैं अगर एक किसान हूं और मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मुझे भी वो आजादी होना चाहिए। मैं किसी को अपना खेती भाड़े पे भी देना चाहूँ तो दे सकूँ, मुझे एपीएमसी से बाहर जाके बेचना है उसमें भी बेचू सकूं। तो ये आजादी अगर किसानों को ये कानून दे रहा है मोदी, नया कानून, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? नहीं, इसमें आपत्ति क्या है कि ये कानून जो है वो चांद पर शायद सच साबित हो सकता है, भारत में नहीं सच साबित हो सकता है। क्योंकि भारत में और पूरे सही माने में पृथ्वी पर किसानी उपज को कम से कम दाम देना है, ये तय है। उसी के आधार पर हमारी सभी अर्थव्यवस्थाएं खड़ी है, चाहे कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूरी 100% कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिक्स अर्थव्यवस्था हो। सभी अर्थव्यवस्थाएं किसान के उपज को कम से कम दाम देना, जितना कम दाम देंगे उतनी मजदूरी सस्त होगी, हमें मजदूर जो मिलेगा वो सस्ता मिलेगा, अनाज ही महंगा होगा, क्योंकि अनाज के बगैर तो वो जिंदा नहीं रह सकता है, खेती के उपज के बगैर तो वो जिंदा नहीं रह सकता है, उसको तो जिंदा रखना है, उसने कारखानों में काम करना है, कंपनीज में काम करना है, हर जगह काम करना है। वो अगर सस्ता रखना है, वो सस्ता रखेंगे तो ही हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बाकी देशों के साथ में हम कॉम्पीट कर पाएंगे, बाकी चीजों के साथ में कॉम्पीट कर पाएंगे। इसलिए हमको अनाज सस्ता रखना ही है, उसके आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी है। अगर आप अनाज सस्ता रखने की ये शर्त कायम रखते हो और फिर इंसान को, किसान को स्वतंत्रता देते हो, ये हस्तक्षेप सरकार ने मंडियों के द्वारा क्यों किया कि कम से कम किसान को जिंदा रखा जाए। अगर किसान भारत का जिंदा नहीं रहेगा तो भारत जैसे 130 करोड़ लोगों को उनका पेट भरने की क्षमता दुनिया में किसमें है? किसी में नहीं, भूखा मरेगा पूरा देश। इसलिए किसान को जिंदा रखो, इसलिए ये मार्केट्स वगैरह सब व्यवस्था आई है, केवल जिंदा रखने के लिए आई, उनको अच्छे ढंग से जीने के लिए नहीं आई है। अच्छे ढंग से जीना है तो वो स्वामीनाथन की बात अमल में लानी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो। दूसरी बात ऐसी है कि सरकार कभी भी ये छोड़ने वाली है क्या? सीधी सी बात है ना, ये कानून जब आ रहे थे तभी हमने प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, ये कानून जब आए तभी प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, ये कौन सा कदम है? क्यों प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया? क्योंकि शहरों में प्याज के दाम बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट होगा तो शहरों में प्याज के दाम बढ़ेंगे तो मध्यम वर्ग चिल्लाएगा, जो हमको नहीं चाहिए, पूरी की पूरी सरकार गिर गई थी दिल्ली की, ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ये करने वाले ही है। आप अभिवचन लिख के दे सकते हो क्या कि इसके बाद में हम कोई भी एक्सपोर्ट पर बंदी नहीं लाएंगे, यानी खेतीहर के उपज को? ये तो करने वाले नहीं हुआ। आप ये लिख कर दोगे क्या मोदी सरकार कि आज के बाद खेतीहर के किसी भी चीज के बारे में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे? नहीं लिख के दोगे आप, क्योंकि आपको देश की व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था चलानी है, मजदूरी सस्त रखनी है, मजदूरी अगर सस्ती रखनी है तो आपको अनाज की कीमत कम रखनी है, और अनाज की कीमत कम रखने में आपको इंटरेस्ट है, बढ़ाने में आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये तो फैक्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही मोदी अंडानी की गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट। और आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर तब कोई भी कब्जा नहीं कर पाता था, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी, बहुत मर्यादाएं थी, यहाँ जहाज से ले जाओ, पूरे रेल में से तैयार करो, ये तो पूरे के पूरे भारत का कृषि तंत्र कब्जे में ले सकते हैं, इतनी बड़ी क्षमता आज के आधुनिक कॉर्पोरेशन में है।